Padang daw. Wow. Paano mo bilang ano? Ang dami. वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा एंड विशाल ब्लॉग्स। तो पेश है ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो कल है वट सावित्री पूजा और हम कुछ सामान नहीं लिए हैं पूजा का, तो आज हम लोग सोचे हैं कि जाएंगे और सारा सामान साथ में एक साथ ही लेके आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो पहले लिस्ट बना लिए हैं और उसी के हिसाब से हम लोग जाएंगे और सामान खरीदेंगे। तो अभी हम तैयार हो गए हैं और अभी निकलने वाले हैं, तो चलिए आगे आपको दिखाएंगे। और यहाँ क्यारा बोल रही है, मम्मी क्यारा तैयार, क्यारा को भी दिखाओ, मतलब कैमरा में दिखाओ हमको भी। क्यारा बोल रही है ना बेटा, जूता पहनाओ। चलो साइज सही है। तो गाइज नेहा अभी अपना मेकअप का सामान ले रही है। बहुत ज्यादा भीड़ है आज मार्केट में, पता नहीं क्यों। व्हाट्सएप में क्या लेगी, जा गिरा ली, तोड़ ली, क्या की तोड़ ली ना। क्या लेगी क्यारा, क्या लेगी? ई लेगी, नेल पॉलिश लेगी। तुम मम्मी कहाँ लिए, तुम ही लेगी। के लिए ली कौन रंग इसके अलावा, और जो लेना लो। बहुत गर्मी भी और भीड़ भी क्या रहा। कलर है वो, मत खोलना। देखो सब ऑपरेशन कर दी, पार्ट बाय पार्ट खोल दी, देख रही हो देखो क्या। तो गाइज इतना ज्यादा भीड़ है कि नेहा अंदर है और हम लोग को इतना गर्मी लग रहा है कि हम क्यारा को लेकर आए हैं बाइक पे बैठी हुई है। क्यारा इधर देखो, हेलो करो, बोलो। मौसम बहुत गर्मी है ना। तो अभी पूजा के लिए नेहा फल खरीद रही है, ऐसे तो कभी नहीं खरीदती है। और जो लेना जल्दी ले लो, इतना भीड़ है आज फल के दुकान पे, यहाँ से वहाँ तक सारा का भीड़। क्या ले लो जल्दी जल्दी, जो लेना पूरा। क्यारा गर्मी से परेशान हो गई है, क्या हुआ क्यारा? हाँ है वहाँ। तो गाइस सारा शॉपिंग हो गया, बस लास्ट में पूजा का सामान बचा हुआ है, तो वही अब हम लोग पूजा का सामान ले रहे हैं। नेहा सारा सामान लिखवा दी है मोबाइल देख के अपना। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है वट सावित्री पूजा और हम सुबह सुबह नहा लिए हैं, अभी बज रहे हैं 6 और अभी हम पूजा का तैयारी करने वाले हैं। उसके बाद तैयार होंगे, आपको सारा वीडियो मिलेगा। तो चलिए अभी दिखा दें पूजा का तैयारी। तो ये है जो पंडित जी को दान करेंगे, तो ये अलग से हम रख लेते हैं प्लेट में। तो हे गाइस ये जो हम पंडित जी को आपको अभी दिखाए, ये भी पंडित जी को चढ़ाने वाले हैं और मतलब दान करने वाले हैं। और ये एक शर्ट, टी शर्ट और ये रुमाल, और ये कंघी, कंघी नहीं, ऐना, चूड़ी, टिकली, सिंदूर, काजल, ये मेरे लिए है जो कि हम चढ़ा के फिर हम यूज करेंगे इसको, और ये उनके लिए। तो और अभी चलिए हम पूजा का सामान इकट्ठा कर लेते हैं जो जिससे पूजा करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। हे गाइस तो पूजा का तारीख तैयार है, ये अक्षत, चंदन, सिंदूर, लाल चंदन, सिंदूर, गंगा जल, दिया बाती और अगरबत्ती, ये सब, और ये बतासा और फूला हुआ चना, और ये जिससे अभी हम फेरे लगाएंगे, और इससे अभी थोड़ा सा रंगोली बनाएंगे ऊपर, मतलब थोड़ा बहुत, उतना नहीं आता हमको। तो ये है पूजा का थाली। और अभी हम फल का भी, फल को काटना है, फल को धोना है, और इसका भी आपको दिखाएंगे आगे। तो ये मेरा 5 फल तैयार है, सेब, केला, आम, खीरा और लीची, और एक पूरा पूरा भी फल रखे हैं, तो ये भी रख लेते हैं हम ऊपर से। तो ये चढ़ाने के लिए हो गया फल, और यहाँ पे 5 सुपारी भी है, तो ये भी धो के रख लेते हैं अच्छे से। तो ये फल और ये पूजा का थाली, 5 सुपारी जो भी इसमें रखना था हमको रख लिए, और ये मेरे चढ़ाने के लिए, मेरे लिए है और इनके लिए है, और ये
पंडित जी को दान करने के लिए। तो ये सब तैयार है, अब हम पूजा करेंगे, पहले पूजा करके फिर ऊपर। और आप लोग को ये नहीं, आप लोग को ये भी बता देते कि हम लोग घर पे, मतलब हम घर पे ही अभी करते हैं, फर्स्ट साल बस गए थे करने के लिए, तो पूरा उल्टा पुल्टा हो गया था वहाँ पे। उल्टा पुल्टा मतलब कि पूरा प्रसाद को इधर से उधर फेंक दिया जाता है, तो इसलिए हम अभी वहाँ जा नहीं रहे। तो अभी फर्स्ट बार तो हम किए थे वहाँ मंदिर के पास जाके, और सेकेंड ईयर घर पे किए थे, थर्ड ईयर फिर मम्मी के पास किए थे, और फिर फोर्थ ईयर यहाँ, और फिफ्थ ईयर भी यहाँ। मतलब 5 साल से हम वट सावित्री पूजा कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वट पूजा में, वो है ये फैन पंखा जो कि हम कल ले लिए थे। और चलिए अब आपको आगे का दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी नेहा तैयार हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं लगाई हो फेस पे, अभी कुछ नहीं करना स्टार्ट। और अभी क्या क्या बाकी है, क्योंकि हमको साड़ी पहनने में आता, और साड़ी पहनने में हमको 1 घंटा 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटा से साड़ी पहन रही थी, वो भी मेरे हेल्प से। अभी पायल बिछिया ये हमको चढ़ाना है इसलिए पूजा में। ये क्या ली हुई हाथ में, पेंटिंग पेंट करोगी? तो जैसा कि देख चुके हैं पूजा बस हो गया, अब हमको भी बचा हुआ, हम जा रहे हैं नहाने अभी, और क्यारा को भी उठाना है, और क्यारा भी पूजा देखेगी। तैयार हो जाए उसके बाद क्यारा को उठा दीजिए। जा रहे हैं तो हम भी नहा के आते हैं, तुम भी तैयार हो। हे गाइस, तो अभी हम भी नहा के तैयार हो चुके हैं, और अभी नेहा भी तैयार हो गई है, अभी दिखाते हैं क्या कर रही है। तो अभी नेहा अपना पैर रंग रही है, पूरा तैयार हो गई है। वाह, ऊपर से नीचे तक पूरा तैयार हो रही है, तैयार तो होना ही। अच्छा से ये तो देखो इधर हट रहा है, पूरा 16 सिंगारी की हो गया, काउंट करना होगा 1 2 3 4 5, हमको तो पता भी नहीं। सब नाक से सीधा। देखो अच्छा लग रहा है, स्ट्रेट तुमसे कोई स्ट्रेट होता भी नहीं। गाइस, तो यही है बरगद का ट्री जो हम आज से 4 साल पहले लगाए थे अपने घर में। गाइस, अभी अब नेहा पूजा स्टार्ट कर रही है, और नेहा के लिए हम पंखा भी लगा दिए, सोच लीजिए कितना करते हैं। डीसी फैन है, डायरेक्ट बैटरी से चलता है, कोई जरूरत नहीं था पंखा लगा दिए कि गर्मी ना लगे, गर्मी बहुत है, और धूप भी छत पे आने वाला है, अभी आधा छत पे तो आ गया, आधा पे बाकी है, अभी छाऊं। और अभी पूजा स्टार्ट कर रही है नेहा। हम लोगों की बरकत का प्रथम में पान सुपारी पूज के प्रसाद चढ़ाएंगे। तो गाइज, नेहा का पूजा हो गया है, फल वगैरह सारा चीज़ चढ़ा दी है, अभी अब जो पंडित जी को दान होगा और जो अपने लिए है वो चढ़ाएगी अभी। बट सावित्री पूजा में सबसे बड़ा रोल जो है, मतलब सबसे बड़ा चीज़ जो है, ये पंखा भी होता है, क्योंकि इसका बेसिकली पूजा होता है पंखा का, और इसी पंखे से पहले बट वृक्ष को हवा दिया जाता है, फिर हमको ठंडे। और अलग से भी सब फल चढ़ता है पंखा पे, ये कहाँ रखोगी, वहीं नीचे में। इसको भी यहीं पे चढ़ा देंगे, पिछले बार वाला भी धागा अभी तक लगा हुआ है। हाँ, ये नीचे वाला नहीं, ये हाँ नीचे वाला है ना। हाँ, सात फेरा
लिया जा रहा है। तो जैसा कि बताए थे, अब मठ वृक्ष में पंखा का हवा दे रही है नेहा। सारा चढ़ा के और उसके बाद बांध के तिलक करके घूम के पंखा से हवा दी, उसके बाद अब प्रणाम कर रही है। तो अभी व्रत का कथा पढ़ रही है वट सावित्री का, और क्यारा भी सो के उठ गई है। क्यारा सो रही थी क्योंकि सुबह के 8 बज रहा है, और अभी उठ के आई है तो ये पूरा खुश है कि क्या कर रही है मम्मी। क्यारा इधर देखो, तो बताओ मम्मी क्या कर रही है, क्या कर रही है बताओ, बोलो पूजा। आ गया, बहुत गर्मी। तो अभी हम आशीर्वाद भी ले रहे हैं। सदा सुहागन रहो। वाह 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 वाह। पानी पिलाता है ना? पानी तो पिला दी। तो गाइज, अभी नेहा सिंदूर लगवा रही है क्योंकि ऐसा मान्यता है कि सिंदूर तो लगवाना ही चाहिए पूजा के बाद। हे गाइस, तो मेरा पूजा हो गया है और अभी ये दान देने जाएंगे पंडित जी को, और अभी ये क्यारा को खिला रहे हैं। क्यारा नाश्ता कर रही है। क्यारा भी तैयार हो गई है। क्यारा अपना ड्रेस दिखा दो। क्यारा ड्रेस दिखा दो। अरे वाह, क्यारा भी लहंगा पहनी है ना। और ये अभी जाएंगे पंडित जी को दान देने। हे फैमिली, जो अभी नेहा बोली थी कि पंडित जी को देने, तो दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा भीड़ देख सकते हैं। और साथ ही साथ यही वो वृक्ष है जो पीपल और बट का वृक्ष साथ में खड़ा है, और यहीं पे लोग पूजा करते हैं। और अभी लगभग ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं और इतने ज़्यादा भीड़ है कि मतलब नेहा तो यहाँ पूजा नहीं कर पाती, क्योंकि इतना भीड़ में अच्छा से पूजा वो कर ही नहीं पाती, वो एकदम बिल्कुल स्थिर से अच्छे से पूजा करती है। हे गाइस, तो अभी नेहा मेरे लिए खाना बना रही है। पूरी और सब्जी बन गया। कहाँ है सब्जी? ये बैगन। और नेहा को तो आज फास्टिंग है, फास्टिंग कर रही है, जबकि बोल रहे खा लो, इसमें खा भी सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, खा सकते हैं लेकिन फास्टिंग कर रहे हैं। तो आज फास्टिंग कर रही है, तो आज रहो भूखे। और नेहा के लिए हम बना दिए हैं नींबू पानी। लो पियो पहले, पियो ना पहले। अच्छा, नहीं पहले पियो ना, 10 बज गया, पियो पहले। अच्छा पियो ना, तो पहले 10 बज रहा है। चीनी है? नींबू ये दिए। कलर तो है, देखो कितना बिच्चा निकला, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक ही है ना। We go.
हे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।